आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेज लाइक नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शनल अप्लाइड और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज लाइक ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक अपॉन ईच अदर। द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। दीज टू फोर्सेज आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एंड आर सब्जेक्ट्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है आम क्लासरूम। जोर से फूंक मारेंगे, नहीं घुमा, अंगुली रख के फिर फूंक मारेंगे। और ये जोर से घूमने लगा। ये स्पिनर भी न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पे ही काम कर रहा है, यानी जब हवा इधर से बाहर निकल रही है तो उसके उलट दिशा में स्ट्रोक पे एक फोर्स लगाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है 30-30 एकलव्य क्लासरूम। डेफिनेशंस अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट दोनों साथ में पाएंगे।